हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे खतरनाक सेटिंग्स के बारे में जिन्हें आपको अभी के अभी बंद करना होगा। हम ये बात करेंगे विंडोज में भी और एंड्रॉइड में भी। इससे आपका डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और आपकी प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं तीन ऐसी खतरनाक सेटिंग्स जिन्हें आपको अभी का अभी बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है लगातार बिना आपकी परमिशन के। ये चीजें आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में भी हो रही हैं, यानी कि विंडोज में भी हो रही हैं और एंड्रॉइड में भी हो रही है, यानी कि आपके स्मार्टफोन में भी हो रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं विंडोज की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका लैपटॉप आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी बिना आपकी परमिशन के। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि आपकी कोई भी बातें जो आप अपने लैपटॉप के सामने बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं वो अब प्राइवेट नहीं रह गई है। वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है और भेज रहा है माइक्रोसॉफ्ट को। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये बात। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और समझ लेते हैं कि कैसे हम इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको जाना होगा अपनी सेटिंग्स में। यहां पर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको प्राइवेसी के अंदर जाना होगा। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको जाना होगा स्पीच में। स्पीच में जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि स्पीच में रिकॉग्नाइजेशन कुड इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन स्पीच टेक्नोलॉजी फॉर एवरीवन हु स्पीक योर लैंग्वेज इफ यू डिसाइड टू कंट्रीब्यूट योर वॉइस क्लिप्स। सम ऑफ दिस क्लिप्स विल बी रिव्यूड बाय माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉयज एंड वेंडर्स। यानी कि आपके सारे वॉइस रिकॉर्ड्स उनके पास जा रहे हैं, वो रिव्यू कर सकते हैं इसका, उसे सुन सकते हैं। रिव्यू के लिए है बता रहे हैं, लेकिन ये रिव्यू कम और स्पाइंग ज्यादा लग रही है, तो इसे आपको स्टॉप करना होगा। यहां पर से आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप कंट्रीब्यूटिंग माई वॉइस क्लिप्स। सिंपली आप इसे स्टॉप कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं इसे स्टॉप करना कितना ज्यादा जरूरी है। ऑल द टाइम आपका वॉइस उन तक पहुंच रहा है, कोई भी प्राइवेसी नहीं रह गई है। इसी में अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक में। आपका कंप्यूटर सब कुछ जानता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट में जा रहे हैं, कौन कौन से एप्स यूज कर रहे हैं, और इसे ये लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए है। भैया, ये डायग्नोस्टिक्स के लिए नहीं है, ये एड्स दिखाने के लिए है। आपको इस सेटिंग को भी बंद करना होगा तुरंत। इसके लिए फिर से आपको जाना होगा अपने कंप्यूटर की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको वहां फिर से जाना होगा प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक में जाना होगा। यहां पर जाने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, इंप्रूविंग इंकिंग एंड टाइपिंग, सेंड ऑप्शनल इंकिंग एंड टाइपिंग डायग्नोस्टिक्स डाटा टू माइक्रोसॉफ्ट टू इंप्रूव द लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन सजेशंस कैपेबिलिटीज ऑफ एप्स एंड सर्विसेज रनिंग ऑन विंडोज। भैया, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। इसी में हम अपने थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ज्यादा बूट लोडिंग टाइम ले रहा होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा उसको चालू होने में। ऐसा क्यों होता है? ये पहले से ही एप्स को भर भर के उसमें दे देते हैं। आपका कंप्यूटर चालू होने के पहले वो एप्स चालू हो जाते हैं, रन हो जाते हैं, जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर हमें कोई ऐप की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे आसानी से कंप्यूटर के चालू होने के बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, पर नहीं, इनको तुरंत ही देना है कि भैया ये भी लोड ले लो, ये भी लोड ले लो, तो कंप्यूटर तो स्लो लगेगा ही ना। इसके लिए फिर से आपको जाना होगा अपने कंप्यूटर की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां जाना होगा एप्स में। एप्स में जाने के बाद स्टार्टअप्स में। स्टार्टअप्स में आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारे एप्स हैं जो चालू हैं मेरे, यानी कि मेरा कंप्यूटर चालू करता हूं मैं और ये सारे एप्स उसमें भिड़ जाते हैं उसे स्लो करने की कोशिश और साजिश में। तो इसे रोकने के लिए आपको इन सबको बंद करना पड़ेगा। हटाओ इन सबको, कोई जरूरत नहीं है इनकी, सबको ऑफ कर दीजिए। ये सारी चीजें करने के बाद आपका कंप्यूटर डेफिनेटली थोड़ा ना थोड़ा फास्ट आपको लगेगा ही। इस सेटिंग को करने के बाद कंफर्म है कि आपका कंप्यूटर जल्दी स्टार्ट होगा, उसके बूट टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आपका कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक में कि एंड्रॉइड में ऐसी कौन कौन सी सेटिंग्स है जिन्हें हमें अभी के अभी बंद करना जरूरी है। तो जैसा कि अभी हमने कंप्यूटर या लैपटॉप में देखा कि हम जो भी सर्च कर रहे थे, जो भी चीजें हम
एप्स चला रहे थे, जिस भी किसी वेबसाइट में जा रहे थे, वो सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट को पता थी। वैसे ही आप जो भी सर्च करते हो अपने मोबाइल में, जिस भी किसी वेबसाइट में जाते हो, कोई सा भी ऐप यूज करते हो, वो सारी चीजें गूगल को भी पता है। उन्हीं के हिसाब से वो आपको एड्स दिखाता है। तो इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर जाना होगा अपने गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना होगा। यहां पर आपको जाना होगा डाटा एंड प्राइवेसी में। यहां पहुंचने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके आना होगा पर्सनलाइज्ड एड्स में। यहां पर इस सेटिंग को आपको ऑफ करना होगा। मेरा यहां पर ऑफ हो चुका है। इस सेटिंग को सेव करने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक में, जो कि है लोकेशन। बहुत सारे एप्स हम यूज करते हैं और बहुत सारे एप्स को हमारे लोकेशन की जेन्युइन में जरूरत पड़ती है, जैसे कि गूगल मैप। अगर आप उसे लोकेशन की परमिशन नहीं देंगे तो कैसे वो आपका लोकेशन बता पाएगा, या आपको कहीं दूर जाना है तो वहां का डिस्टेंस कैसे बता पाएगा आपको। तो ये चीज जेन्युइन है कि उसे आपको लोकेशन की परमिशन देनी होगी। लेकिन बहुत सारे एप्स ऐसे होते हैं जिनको लोकेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्रिसाइज लोकेशन का एक्सेस लेके बैठे होते हैं। काम उनको कुछ भी नहीं होता, उनको एड्स दिखाने हैं या फिर अपना काम करवाना है, इस टाइप के काम के लिए ही वो आपका लोकेशन को लेके बैठे होते हैं, जबकि इसकी कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो इसे भी आपको बंद करके रखना होगा। इसके लिए जाना होगा आपको फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा अपने एप्स में। एप्स में जाने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना होगा और आपको चेक करना होगा कि कहीं वो प्रिसाइज लोकेशन को ऑन करके तो नहीं रखा हुआ है। तो यहां आने के बाद आपको अपने एप्स को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद परमिशंस में जाना होगा। परमिशंस में जाने के बाद आपको जाना होगा लोकेशन में। लोकेशन में जाने के बाद आप देख सकते हैं अलाउ ओनली व्हील यूजिंग द ऐप, ये तो लिखा हुआ है। ये ठीक है कि भैया हम जब इस ऐप को यूज करेंगे तब हमारा लोकेशन जा सकता है, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। लेकिन आप साथ ही से देख लीजिए यूज प्रिसाइज लोकेशन, यहां पर ये टिक है और ये ऑन है, जबकि इसकी जरूरत इसे बिल्कुल भी नहीं है। भैया हम जब यूज करेंगे तब आप लोकेशन ले लीजिए, लेकिन अभी आप लोकेशन लेके क्या करेंगे। तो इसे आपको बंद करना होगा, बारी बारी से चेक करके देखना होगा और सारी जगह पे इसे आप टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। इसी में अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक में, आपके वाईफाई और ब्लूटूथ। आपका वाईफाई और ब्लूटूथ बार बार बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है। शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, पर वो स्कैन करता ही रहता है हर थोड़ी थोड़ी देर में। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो सेफ भी रहेंगे और मोबाइल की बैटरी भी बच जाएगी, ज्यादा चलेगी। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा लोकेशन में। लोकेशन में जाने के बाद आपको यहां पर दिख जाएगा वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, इसे आपको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं यहां पर वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ की स्कैनिंग दोनों ही चालू हैं। इसे आपको बंद कर देना है। ये सेटिंग बंद करने के बाद आपका वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही बैकग्राउंड में स्कैन नहीं करेंगे, आपकी बैटरी भी बच जाएगी और सेफ्टी भी बनी रहेगी। तो अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, मतलब वीडियो आपके काम की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही नेक्स्ट जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।